प्रणव सिंह चैंपियन और देशराज कर्णवाल के बीच विवाद सुलझा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर सुलझा यह विवाद। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से। दोनों ने एक दूसरे पर दर्ज कराए मुकदमों को वापस लेने की कही बात। बीजेपी संगठन के दिशा निर्देशों पर काम करूंगा, ये कहना है देशराज कर्णवाल का। तो लंबे अरसे से दोनों विधायकों के बीच ये विवाद बना हुआ था। देशराज कर्णवाल, ये तस्वीरें देखिए आप, और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर से चार बार के विधायक, अक्सर दोनों सुर्खियों में रहते थे। खासतौर पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बात की जाए तो उनके कई वीडियो वायरल हुए और उसके बाद पार्टियों को शर्मसार भी होना पड़ा, खासतौर पर बीजेपी को, क्योंकि इस वक्त वो बीजेपी से विधायक हैं। पुराना रिकॉर्ड, वो कई पार्टियों में रह चुके हैं, कांग्रेस से पहले विधायक वो रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने उनके कारनामों को देखकर उन्हें निष्कासित कर दिया था। अब ये बात सामने आ रही है कि दोनों का जो विवाद है, जिनके चलते अक्सर ये सुर्खियों के पात्र बना करते थे, अब दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर मसले का समाधान कर लिया गया है और अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को हरी झंडी मिल गई है, वापस भी वो लौट सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। राजीव कंबोज हमारे साथ, अजीत कंबोज इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ये बताइए कि ये मसला बहुत पुराना था और अचानक से एक सुबह होती है नए साल की और उसमें दोनों साथ बैठते हैं और मसले सभी सुलझा लिए जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या, किसका प्रेशर था और वाकई दिल मिल गए हैं या फिर निर्देशों के आधार पर यह पूरी कवायद हुई? बिल्कुल, एक ये बड़ी खबर है इस वक्त की उत्तराखंड से कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो भाजपा से निष्कासित विधायक हैं और देशराज कर्णवाल जो भाजपा के विधायक है, दोनों ने संयुक्त पीसी कर अपने सभी गिले शिकवे दूर करने की बात कही है। गले जरूर मिले हैं, महज 5 मिनट की इस मुलाकात में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनके गिले शिकवे हैं वो कितने दूर हुए इनका इंतजार रहेगा, लेकिन इतना जरूर है दोनों ही विधायकों ने एक मंच को साझा किया है और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद सभी विवादों को सुलझाने की बात जरूर कही है। और जिस तरह से देशराज कर्णवाल ने कई मुकदमे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर दर्ज कराए और उनकी तरफ से भी कई मुकदमे देशराज कर्णवाल पर दर्ज कराए गए हैं और जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, अब इस समझौते के बाद ये सुर्खियां कितनी कम होंगी या जो विवाद है वो कितना सुलझ पाएगा इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मध्यस्थता के बाद दोनों ही विधायकों ने अपने सभी गिले शिकवे दूर करने की बात कही है और जो भी मुकदमे एक दूसरे पर दर्ज कराए गए हैं दोनों ही विधायकों की तरफ से उनको भी जल्दी वापस लेने का दावा और वादा दोनों ही विधायकों की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। जी अजीत, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, अब 2 साल का वक्त है, फिर से इलेक्शन होने हैं और अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना कुनबा जो बिखरने की कोशिश में था उसको इकट्ठा करने की जुगत में है, ये बताइए कि क्या खास क्या है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन में? हालांकि जब से राज्य बनाए तब से वो विधायक बनते रहे हैं, पिछली सरकारों में कैबिनेट स्तर के मंत्री भी वो रहे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब क्या लगता है कि इस कवायद के बाद ये हरकतें बंद हो जाएंगी, आगे से कोई वायरल नहीं होगा वीडियो, क्या कारण थी इस बात की? कहा जिस तरह से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो चाहे वो भाजपा में आने के बाद ही विवाद लगातार उनके साथ बने रहे और पिछले दिनों ही भाजपा से निष्कासित होने के बाद उनका फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो उत्तराखंड राज्य को लेकर तमाम अनर्गल बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो कई इस तरह के विवाद हैं जो लगातार बने रहते हैं, चाहे फिर विधायक देशराज कर्णवाल से गाली गलौज करने की बात हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो विधायक के साथ साथ तमाम राज्य में सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में अब जो समझौता होता है, दोनों ही विधायक एक दूसरे पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात करते हैं, तो इससे कितना फायदा उत्तराखंड में भाजपा को होगा इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लिए इस वक्त भाजपा में वापसी करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाजपा के बिना उनका शायद जीत पाना मुश्किल होगा अपने विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि लगातार वो 4th टर्म के इस बार विधायक हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में 2022 के जब चुनाव में अगर वो उतरते हैं बिना भाजपा या किसी सहारे के, तो क्या उनकी राजनीति रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मध्यस्थता कर दोनों ही विधायकों के बीच का विवाद सुलझाने की कवायद की है और इस समझौते के बाद अब इंतजार इसी बात का है कि क्या वाकई में मुकदमे वापस होते हैं या केवल एक ये नए साल पे एक जनता के बीच आने की एक बात थी कि कैसे करके भी हम अपनी मध्यस्थता को, तमाम विवादों को दूर करें और जनता के बीच एक साफ मैसेज देने की कोशिश करें। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, एक खबर और लेते हैं इसी से जुड़ी हुई, फिर आपसे जुड़ते हैं।
तो खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की घर वापसी हो सकती है। विधायक चैंपियन की बीजेपी में फिर से हो सकती है वापसी। 6 साल के लिए हुआ था निष्कासन। चैंपियन से पार्टी नेतृत्व संतुष्ट दिखाई दे रहा है। सियासी हलकों में तेज हुई चैंपियन की बीजेपी में वापसी की चर्चा। हालांकि 6 साल का निष्कासन था और हद जब हो चुकी थी उससे पहले निलंबित किया गया विधायक साहब को, कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीनों के लिए, लेकिन आखिरकार 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कुंवर सिंह चैंपियन को या फिर भारतीय जनता पार्टी को कि 6 सालों का निष्कासन महज कुछ दिनों में ही वापस लिए जाने की अब कवायद शुरू हो गई है। और ये बात सामने आ रही है कि विधायक साहब की एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है। तो सियासी हलकों में ये बातचीत अब तेज है। नए साल पर नए चेहरे के साथ, नए आगाज के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आ सकती है। कुंवर सिंह प्रवण चैंपियन जो है उनको वापस लिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि यह भी समझना होगा कि अब जबकि खुद ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कवायद के बाद दोनों को एकजुट किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुस्कान तो दोनों के चेहरों पर थी, लेकिन जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हाथ मिलाना चाहते हैं करण राज देशवाल से तो वो हाथ आगे बढ़ता नहीं है। तो अंदर मन में खटास तो समझ आ ही रही है। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए, ये वायरल हुई थी तस्वीरें इन हथियारों के साथ, 3-3, 4-4, 5-5 हथियार, और डांस चल रहा है, जाम छलकाए जा रहे हैं। हालांकि इतने हथियारों का लाइसेंस कैसे इश्यू हुआ, तो ये हथियार कैसे, इनके लाइसेंस कैसे इश्यू हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है और सवालों के घेरे में वो हैं। लेकिन फिलहाल ये जो किरकिरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि औपचारिक रूप से किया था या नहीं ये बात सामने नहीं आ पाई थी।